हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 9 विषय हिंदी में चैप्टर 10 भारत गौरव तो एमन स्वाध्याय सॉल्यूशन आप जो वीडियो ने छेले सुधी निहाळो। चेनल में नवो चेनल सब्सक्राइब करवी, वीडियो ने लाइक करवो। हाँ, घना मित्रों कहे सर प्रथम परीक्षा पेपरो तो मित्रों अपने प्रथम परीक्षा दरेक विषय सोल्यूशन साथ पेपरो कर्या छे, व्यवस्थित करशो 70-80% गुण प्राप्त थई जशे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। भारत वर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहां से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। हवे घना मित्रों ने प्रथम परीक्षा ना पेपर जोता हो, आपने बात करी है प्रमाणे बराबर, बीजा बधा विषय ना स्वाध्याय जोता हो, स्वाध्याय पोथी जोती हो, पाठनी समझूती जोती हो, तो बधु प्रीमा मळशे बराबर। हाँ, वीडियो तो वेद डिजिटल एजुकेशन एप्लिकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर नाखशो एटले ओटीपी आवशे, सेंड ओटीपी करशो, ओटीपी जनरेट करशो। पेड कोर्स छे, एमां एक नॉमिनल चार्ज छे के जेमां तमने विज्ञान एसएस नुं स्टडी मटीरियल वाँचवा माटेनुं मळी जशे, प्रथम परीक्षाना पेपरो मळी जशे बराबर, एकम कसोटीना पेपरो एक्जाम पेपरमांथी मळशे, यूट्यूबना विडियो मळशे, ए फ्रीमां छे 3-12 धोरण सुधीना। तो तमारा आजूबाजूना मित्रो दोस्तों क्लासना मित्रोने जाण करवी, धोरण 9 सिलेक्ट करवुं, धोरण 9 विषय खुलशे, आ छठ्ठाना छे एटले 9માંના पाठ खुले, पाठमां पाठ स्वाध्याय स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशनो मळशे। अथवा शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन भी डाउनलोड करी शको, धोरणमां जाओ ऊपर माध्यमिकमां तमारुं 9મું धोरण खुले, पाठ्यपुस्तकमां जाओ 9માંના विषय खुलशे, आ 5માંના छे एवी रीते पाठमां जशो एटले वेद डिजिटलना विडियो तमने फ्रीमां मळशे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई बहुभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्षी है, यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं, प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं है। योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है, भारत के निवासी आर्य है, आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है। क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, डायरेक्ट जवाब लिखिए। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य है, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है, भगवान की भाव मूर्ति का प्रथम भंडार है, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, भारत के निवासी आर्य है। भाव स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारत वर्ष संसार का सिरमौर है, तो सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था,
भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया का उसके नेतृत्व को सहा रही है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। तो बहुभूतियां अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। विरोधार्थी शब्द बताइए, अधोगति तो ऊर्ध्वगति, वृद्ध तो युवा, पुरातन तो नूतन, प्रथम तो अंतिम, विस्तार तो संकुचन, पुण्य भूमि तो पाप भूमि, उत्कर्ष तो अपकर्ष, उच्च नीच उच्च निम्न। पर्यायवाची शब्द बताए, हिमालय तो हिमगिरी, गंगा तो भागीरथी, गिरी पर्वत, भूमि धरा, विश्व संसार, मदिरा शराब। तो साथे मित्रों स्वाध्याय पूर्ण थाय छे, तो तमारा मित्रों दोस्तों ने जाण करजो, चैनल मां नवा चैनल सब्सक्राइब करजो, अने हाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलिग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक आपेली छे, तो त्यां जॉइंट थई जाओ एटले अवनवी माहिती नोटिफिकेशन द्वारा तमने मळी शके। तो अहींया सुधी राखीए, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।